इस वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नंबर है 6, हमने देखना है कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 6 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 6 को डिवाइड करते हैं, पहले शुरू करते हैं 1 से। तो 1 के टेबल में 6 कब आता है? 1 6 are 6, और फिर जब 6 में से 6 को माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 आ जाता है। जब हमारी डिवीजन के जवाब में आखिर में 0 आ जाए, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। जब 0 रिमाइंडर रह जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। और इसे किसने डिवाइड किया है? बाहर वाले नंबर ने, यानी यहाँ पर 6 को डिवाइड किया है 1 ने और 0 आ गया, इसका मतलब है कि 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जब 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 1 को हम कहते हैं कि 1 इज फैक्टर ऑफ 6। तो ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो उसे हम कहते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है। अब 6 के और भी फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3s are 6, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है? कि 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और 2 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 6। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 और 2 6 के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्या 3 6 का फैक्टर है। तो 3 भी 6 को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो वो उसका फैक्टर होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 4 की, कि क्या 4 6 का फैक्टर है। हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, बाहर अंदर रखेंगे 6 और बाहर रखेंगे 4। अब क्या 4 के टेबल में 6 आता है? 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो हम इससे छोटा नंबर देखेंगे। 4 1s are 4, 6 minus 4 2 आ जाएगा, और 2 4 से छोटा है, यानी अब ये मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। तो यही हमारा रिमाइंडर है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर इस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। यानी अगर 4 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता तो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। तो 4 6 का फैक्टर नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा? कि फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। हम देखते हैं कि 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर आप डिवाइड करके देखें तो 4 के फैक्टर्स हैं 1, क्योंकि 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2, और 3 4 का फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, और इसके अलावा है 4। तो 4 के यही 3 फैक्टर हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, वो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। क्योंकि अगर 4 से बड़ा कोई नंबर देखे तो वो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह से हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 हो गया, 1 तो सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2s are 4, 5 minus 4 1 आ जाएगा, और मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती, और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है कि 5 का फैक्टर 2 नहीं है, इसी तरह 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो 5 का फैक्टर 5 है, क्योंकि 5 5 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हैं फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं।
अगर हम अपनी पहले वाली एग्जाम्पल्स को देखें तो हमने लिखा था वन इज फैक्टर ऑफ सिक्स, या हमने लिखा था टू इज फैक्टर ऑफ सिक्स. अब मल्टीपल क्या होगा, वन अगर सिक्स का फैक्टर है तो सिक्स वन का मल्टीपल होगा. तो हम लिख सकते हैं सिक्स इज मल्टीपल ऑफ वन. इसी तरह सिक्स इज मल्टीपल ऑफ टू, यानी अगर टू सिक्स का फैक्टर है तो सिक्स टू का मल्टीपल होगा. तो मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर्स के टेबल में आते हैं, जैसे सिक्स वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में भी आता है, तो सिक्स वन और टू का मल्टीपल होगा. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ टू, हम टू के मल्टीपल्स देखते हैं कि कौन कौन से होंगे. तो ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल में आएंगे वो टू के मल्टीपल्स होंगे, यानी टू फोर सिक्स एट टेन और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे. और अगर हम देखना चाहें मल्टीपल्स ऑफ फाइव, तो फाइव के मल्टीपल्स कौन से होंगे जो फाइव के टेबल में आते हैं, यानी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और इससे आगे जितने भी नंबर्स जो फाइव के टेबल में आते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइव के मल्टीपल्स. अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में आपस में क्या फर्क है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स. तो फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक बड़े नंबर को डिवाइड करने से आते हैं, और मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से आते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ सिक्स की, तो ऐसे नंबर जो सिक्स को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे सिक्स के फैक्टर्स होंगे, यानी वन टू थ्री और सिक्स. ये वो नंबर्स हैं जो सिक्स को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो देते हैं. तो ये सिक्स के फैक्टर्स हैं. अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ सिक्स की, तो सिक्स के मल्टीपल्स क्या होंगे. ऐसे नंबर्स जिन पर सिक्स का टेबल जाता हो, यानी जैसे सिक्स खुद सिक्स का मल्टीपल है, इसी तरह से ट्वेल्व, सिक्स टू ज़र ट्वेल्व होता है, सिक्स थ्री ज़र एटीन होता है, और इसी तरह से ट्वेंटी फोर थर्टी, ये सब क्या हैं, सिक्स के मल्टीपल्स हैं. अब हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होते हैं, और फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं. यानी सिक्स के कितने फैक्टर्स हैं, वन टू थ्री फोर फैक्टर्स हैं. फोर से ज़्यादा सिक्स के फैक्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन सिक्स के मल्टीपल्स कितने होंगे, सिक्स के मल्टीपल्स अनलिमिटेड होंगे. यानी जैसे हम यहाँ से देखें तो सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी और इससे आगे भी चलते जाएंगे. तो मल्टीपल्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो हम जितने चाहे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिक्स के फैक्टर्स भी और सिक्स के मल्टीपल्स भी. यानी सिक्स को जब डिवाइड करेंगे नंबर्स के साथ, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो फिर वो उसके फैक्टर्स मिलेंगे, और अगर सिक्स को हम मल्टीप्लाई करते जाएं दूसरे नंबर्स के साथ तो हमारे पास उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे. अब हम इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. तो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं. पहला है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ टेन, और दूसरा है फाइंड फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल्स ऑफ टेन. तो पहले हम ये देखते हैं फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ टेन. हमने टेन के फैक्टर्स लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, यानी सारे फैक्टर्स लिखने हैं. तो हम किस तरह से निकालेंगे फैक्टर्स, हमें पता है कि वन तो हर नंबर का फैक्टर होता है. अब हम देखते हैं कि क्या टू टेन को डिवाइड करता है या नहीं. तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है फैक्टर्स लिखने का, वो ये है कि हम ये नंबर लिखते हैं टेन, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई बाय टेन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय टू, फाइव ज़र टेन, तो टू मल्टीप्लाई बाय फाइव. इसी तरह से हम लिख सकते हैं
अगर 3 को देखें तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 5 को देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2s आर 10। इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सारे फैक्टर्स आ जाएंगे? हमने ये देखना है कि जो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ तक 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 देते हैं, और इसी तरह 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 देते हैं। तो 2 5 और 5 2 ये एक ही चीज़ है जो दो तरीक़ों से लिखी हुई है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एक ही बात है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास इन दो नंबर्स को तो हमने नहीं देखना, जब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ रिपीट हो रही है तो हम यहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हम इन सारे नंबर्स को तरतीब से लिख लेते हैं, यानी 1 2, उसके बाद क्या आएगा 5। तो फैक्टर्स में क्या क्या है, 5 और 10। तो ये हमने 10 के सारे फैक्टर्स लिख लिए, इसके अलावा 10 का कोई फैक्टर नहीं है। हमें कैसे पता चला? जब यहाँ पर ये नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो हमारे पास फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम तरतीब से लिख लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के पहले 12 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब यहाँ पर लिखा होता ऑल फैक्टर्स, अब सारे फैक्टर्स हम 10 के लिख सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने हमें कहा है कि हमें सिर्फ 12 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहला मल्टीपल क्या होता है, जब हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 वन्स आर 10, 10 टूज़ आर 20, फिर 10 थ्रीज़ आर 30। अब ये क्या है, ये 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसी तरह 10 को जब 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, 10 फाइव्स आर 50, 10 सिक्स आर 60, 10 सेवन्स आर 70, 10 एट्स आर 80, 10 नाइन्स आर 90, 10 टेन्स आर 100, 10 इलेवन्स आर 110 और 10 ट्वेल्व्स आर 120। तो हमने 12 तक मल्टीप्लाई किया है, तो ये 10 के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में।